क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम कृष्ण कुमार है। कृष्ण कुमार जी, इस समय जो है लोकसभा के चुनाव की घोषणा कर दी गई है, डेट फाइनल हो चुकी है, तो क्या लगता है आपको किस तरह के मुद्दे लेकर के आप वोट करेंगे? देखो जी, ऐसी है भी मेरे हिसाब से ये है कि जो काम अच्छा करवा रही है ना, राजनीति में बढ़ के ना करवाओ। जो काम मोदी जी जैसे अब दिखा रहे हैं, अभी काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि ऐसे ही आदमी का चुनाव करें जो हमारे लाइफ टाइम में काम दे। क्या लगता है आपको, मोदी जी को मौका देना चाहिए? हाँ बिल्कुल, इस बार भी फिर दोबारा मौका देना चाहिए, ताकि वो भी अपने दिल की जो अरमान है, हमारी तरह उसके भी दिल में अरमान है, वो पूरे कर सके। नहीं, मोदी जी के क्या अरमान है, वो तो देखिए अरमान तो आपके हैं, मोदी जी ने तो विकास करवाना है, और अभी जो मौजूदा सरकार रही है पीछे 5 सालों में, कोई ऐसा लगता है आपको कि विकास के काम हुए हैं? हाँ विकास के काम भी अच्छे हुए हैं, बाकी ऐसे है भी हर आदमी के दिल में ख्वाब होते हैं, ऐसे भी मोदी जी के भी ख्वाब है और वो पूरा करना चाहते हैं। वो तभी पूरा करेंगे जब हम उसको सपोर्ट करेंगे, मोदी जी को हम उनके पक्ष में बात करेंगे या उनके। कहीं ऐसा तो नहीं है वहाँ आप भी कहीं मोदी भगत तो नहीं है? नहीं, हम मोदी भगत की बात नहीं है, मैं तो ये बात कह रहा हूँ कि जो आदमी काम अच्छा कराए ना, वोट उसी को दो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो या किसी और। आपका देखिए, अभी इस समय लोकसभा के चुनाव की घोषणा हो चुकी है, और मतलब किस तरह के मुद्दे हैं आपके, किन मुद्दों को लेकर के आप वोट करेंगी अगर आपको वोट कर चुनने के लिए कहा जाए तो? भाई वोट मेरा तो कहना वही है, कभी सारा बढ़िया आ सरकार है नहीं जी, अच्छा काम करने लग रही है, अच्छे नहीं वोट देना चाहिए। नहीं अच्छे अच्छे तो और सरकारें भी हो सकती है, कहीं मोदी भगत तो नहीं आप? नहीं अच्छा, ये तो हम तो जनता का बारे में करें, भी भलाई का काम करें। तो अच्छा मेरा ये एक आपसे पूछना है कि अभी जो किसानों को इस समय 6,000 रुपये देने की सरकार ने घोषणा की है, क्या लगता है आपको उससे कुछ राहत मिलेगी? मिलेगी भी, थोड़ी जमीन आड़ा तो बेचारा गरीब आदमी है, या थोड़ी थोड़ी जमीन है वन पूरा फायदा एक बार काम चल जाए भाई। अच्छा मेरे तो ये कहना भी अच्छा काम है तो भी अच्छा ही लगे, आशीष दिवे सबने। तो आप और जो दूसरी पार्टियां मोदी जी पर सवाल उठा रही है कि अभी ये जो सेना ने हमला किया था और कि ये मोदी जी ने करवाया है, तो क्या क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? भाई मानना तो लगे कौन ही, अच्छा काम करता हुआ है, फिर ये कभी मोदी जी ने जी ये ऑर्डर दिया तभी तो काम हुआ वो। तो सेना पर राजनीति होनी चाहिए? ना राजनीति नहीं होनी चाहिए, वही भी कौन ही। मैं तो ये समझो भी सेना में तो उसी को फायदा हो ही गया। चलो ठीक है जी। अच्छा जी, मोदी जी को क्यों मौका मिलना चाहिए इस समय? मैडम मोदी जी ने तो ये काम अभी की सरकार में अच्छा काम करवाया है, तो सभी काम और दूसरी पार्टियों ने नहीं करवाए भाई? अलग अलग पार्टियां अलग अलग काम बढ़िया ही करवाया, मतलब की मौके की चल है नहीं। पहला भैया कांग्रेस में हुड्डा जी आ, बहस पहले चौधरी देवीलाल जी आ, देवीलाल जी तो इनेलो में थे, इनेलो में उन्होंने काम ठीक करवाए। हाँ ओम प्रकाश जी आ, वही इनेलो का। तो फिर बीजेपी को आप क्यों वोट करें जब आप कह रहे हैं कि अच्छे वो जो कांग्रेस ने भी अच्छे काम करवाए, इनेलो ने भी अच्छे काम कराए, फिर आप मोदी जी को भी कह रहे हैं? भाई मौके का तो मोदी जी काम बढ़िया करवा रहे हैं। अच्छा तो एक बार मौका और मिले तो भी और भी देश के विकास के लिए या बच्चों के लिए भी सारा काम बढ़िया चल रहा है, वास्ते भी एक बार मौका और मिल जाए। हाँ जी राम राम जी। राम राम। अभी जो है लोकसभा का चुनाव, तो समझो चुनाव जगह है अब होना रहा है कुछ दिनों में, तो थाने के लगा है कभी कौन सी सरकार बढ़िया है? देखिए अपने मोदी सरकार ठीक है, मोदी सरकार किया ईशो के कर दियो मोदी सरकार भी, लेडीज ने आगे ले गया है भी, कोई भी महिला ने आगे ले गया हुआ नहीं, फिर भी है कोई हरेक काम काम आगे ने आगे करे। तो कांग्रेस सरकार और मोदी सरकार में किसी बढ़िया है? तो मोदी
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਨਵਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਜੀ ਅਬਾਈ ਅੱਛਾ ਆਪਕੀ ਬਹੂ ਕੋ ਹਾਂ ਬਹੂ ਕੋ ਹਾਂ ਕਿਆ 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 ਦਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਹੈ ਕੇ ਨਾਮ ਹੈ ਇਨਾਮ ਹਾਂ ਇਨਾਮ ਵੀ ਹੈ ਇਨਾਮ ਵੀ ਹੈ ਹਾਂ ਬਤਾ ਰਹੇ ਥੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿਆ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਕਾ ਇਨਾਮ ਥਾ ਕਿਆ ਦੇਤੇ ਹੈ ਉਸਮੇ सर्टिफिकेट होता है वो सर्टिफिकेट भी है हाँ जी हाँ जी वो मतलब क्या काम करती है जिसके लिए वो मिला है ये अपने पहली तो वो केचुआ वालों करियो अच्छा जी करियो फिर जिको बिंगमा नरमे गमा भी वो बीज तैयार करते होंगे ना बाल लगाई मूंगी अच्छा अच्छा तो ये बैज को वो मशरूम वालों करे तो सरकार नौकरियां दे रही है क्या या लोग ऐसे ही कर रहे हैं ना नौकरी दे रही है अच्छा अच्छा तो संतुष्ट आप अच्छा एक बात बताइए काम जो गांव के अंदर कई काम होंगे उनको देखते हुए आप वोट करेंगे किस तरह के गांव के अंदर काम होने चाहिए जो अभी हुए नहीं है जैसे जोड़े हैं सड़कें हैं ठीक है सड़कें वगैरह हाँ सड़कां सड़कां तो है जी की है कभी अच्छो भी कोनी साफ सफाई इतनी कोनी अच्छा अच्छा साफ सफाई होनी चाहिए हाँ साफ सफाई होनी चाहिए चलो मतलब सरकार से आप खुश हैं ये सरकार में बहुत खुश हाँ अच्छा ठीक है आप बहुत आगे ले गया ला रही है अच्छा अच्छा महिलाओं को हाँ महिला चलो बहुत बहुत धन्यवाद हाँ जी क्या नाम है आपका मेरा नाम मंजू जी मंजू जी अभी लोकसभा चुनाव होने वाले हैं उनके लिए डेट निर्धारित हो चुकी है क्या लगता है आपको इस सरकार से कितना संतुष्ट आप इस सरकार से जी बहुत अच्छा है मोदी जी ने जी सभी को महिला के लिए बहुत अच्छा किया है क्या किया महिला के लिए महिला के लिए सभी के भी खेती के बारे में और आपके लिए कुछ किया है आपके लिए हाँ जी क्या मेरे को वार्ड गिरा दिया और खेती के मैं खेती के बारे में नई योजना भी कोई ये कुंभी के बारे में केचुए जी और इनके बारे में और मतलब सरकार महिलाओं के लिए जो कृषि वाली जो खेती का काम करती है उन महिलाओं को प्रोत्साहन दे रही हैं कोई प्रोत्साहन ऐसा क्या प्रोत्साहन मिला आपको आपको प्रशंसा पत्र आपको प्रशंसा पत्र मिला है खेती किसानी में हाँ। तो कितना संतुष्ट हैं आप संतुष्ट हैं सरकार से हाँ जी। तो सरकार तो इनेलो की भी है पार्टी तो वो भी है और कांग्रेस भी है अगर आपको कहा जाए कि नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच में चुनिए तो आप किसको चुनेंगे मेरा यह मानना है कि सेना पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और जातिगत पर भी राजनीति नहीं होनी चाहिए और मेरा यह कहना है कि भी आप मोदी को ही वोट कीजिए कि भी मोदी इस समय बहुत अच्छा काम करवा रहा है आजकल के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो उसी को वोट करना चाहिए जो सरकार अच्छा काम करवाए ये लोग भी जो आजकल मोदी जी अच्छा काम करवा रहा है तो एक बार मोदी जी को फिर से एक मौका देना चाहिए।